Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ये सब गवर्नमेंट के जितने भी फॉर्म्स हैं वो अगर कोई भी सर्विसेज देते हैं तो जीएसटी के अंदर उन सर्विसेज को एग्जम्प्ट किया गया है। बट यहाँ पर हम जीएसटी एग्जम्पशन के चैप्टर में यही समझने वाले हैं इस एग्जम्प्ट सर्विस के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर रही है वो सर्विसेज तो वो एग्जम्प्ट की जाएगी, किन सेक्शंस को जो प्रोवाइड कर रही है उनको एग्जम्प्ट की जाएगी, इस तरीके के जो रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशंस है जो इस एग्जम्पशंस के अंदर लगाए गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो में गवर्नमेंट से रिलेटेड सभी सर्विसेज को हम डिस्कस करेंगे, जितनी भी एंट्रीज इस हेडिंग के अंदर है हम सबको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज अंडर जीएसटी एग्जम्पशन। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है गवर्नमेंट के बारे में, मतलब कि गवर्नमेंट सरकार जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में, वो अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है आपको तो उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अगर हम पूरे जीएसटी की बात करें, टैक्सेशन रिजीम की, तो उसका ये कहना है कि कोई भी सप्लाई अगर होती है, और सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से हमने पढ़ रखी है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जिसे हम सप्लाई कहते हैं, वो गुड्स का भी हो सकता है, वो सर्विसेज का भी हो सकता है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर इन दोनों में से कुछ भी जो सप्लायर है वो अगर गवर्नमेंट होती है तो उस सिनेरियो के हम यहां पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मतलब इन दिस केस जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट है, जो रिसिपिएंट है वो हम लोग हैं, जनरल पब्लिक है, या फिर जनरल पब्लिक के अलावा कंपनीज भी हो सकती है, बिजनेस एंटिटीज भी होती है, गवर्नमेंट खुद भी हो सकती है। मतलब कि एक गवर्नमेंट कितने लोगों को सर्विसेज वो कैटर कर सकती है, बहुत लोगों को कर सकती है, वो बिजनेसेस को कर सकती है, वो कंपनीज को कर सकती है, वो एक इंडिविजुअल को कर सकती है, वो एक कॉमन मैन को कर सकती है। इतना ही नहीं, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को, यानी कि अपने ही गवर्नमेंट के दूसरे पार्ट को वो सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। इतनी सर्विसेज एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज को हमें कवर करना है जिसको एग्जम्पशन में लिया गया है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी एग्जम्पशन के परव्यू से बाहर है उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बट उससे पहले हमें जो समझना होगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि बेसिक है, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज के बारे में आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या होता है ये तो बताइए। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की रिलेटेड डेफिनेशन ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, और पहले हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट में क्या लेना और क्या नहीं लेना। सो गवर्नमेंट, उसमें दो चीजें आएगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगा, बोर्ड या फिर कोई दूसरी बॉडी। मतलब इनका कहना है कि या तो गवर्नमेंट खुद होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जैसे हम कहते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ जो होती है वो, लोकल अथॉरिटीज़ में आप लेंगे आपकी पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, बोर्ड्स है, दूसरे छोटे छोटे लेवल पर, वो सभी आपके यहाँ पर अथॉरिटीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। कुछ होती है गवर्नमेंट की एंटिटीज़, तो ये सब इंक्लूड किया जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर। गवर्नमेंट अथॉरिटी के अलावा होता है एंटिटीज़ भी, ऐसी एंटिटीज़ यानी कि जो किसी भी फॉर्म में इस्टेब्लिश होती है और उसमें जो पार्टिसिपेशन रहता है वो गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक में रहता है, इक्विटी में रहता है, उन्हें हम गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी बोलते हैं। सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर CGST एक्ट के हिसाब से जाएंगे तो गवर्नमेंट इक्वल्स टू CGST में सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम SGST एक्ट के अंदर जाएंगे तो वो बोलेगा गवर्नमेंट इक्वल्स टू स्टेट गवर्नमेंट। इस तरीके से गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। यस, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट अथॉरिटी में इंक्लूड किया जाता है। कोई भी बोर्ड हो, गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, या फिर कोई भी बॉडी दूसरी जिसमें क्या हो रहा है, जो सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, क्या ICI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट, यस, तो उसको भी यहां पर इंक्लूड किया जाएगा, यस। और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या फिर पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर में जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो लोग गवर्नमेंट एंटिटीज की या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज की डेफिनेशन में फिट बैठेंगे।
established by any government, जहां पर उसका 90% का establishment होगा, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कोई भी body की, कोई भी board की, कोई भी company की, कोई भी entity की, जहां पर government का 90% या उससे ज्यादा participation होता है, उसे हम government authority बोलेंगे। तो ये हमने तीन चीजें देख ली है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर रजिस्टर्ड हो, स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर रजिस्टर्ड हो, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, बॉडी हो, या ऐसी कोई भी एंटिटी हो जिसमें 90% गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो, उन सबको हम गवर्नमेंट के डेफिनेशन में यहां पर इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड्स, अब इसमें क्या इंक्लूड करना है हमको, इसमें इंक्लूड करना है हमको म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। ये कहां पर आ रहा है, ये इंक्लूड हो जाएगा लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन में। लोकल अथॉरिटी में म्यूनिसिपैलिटीज़ है, आपके रीजनल के काउंसिल्स है, आपकी पंचायत है, ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती है। जो छोटे छोटे लेवल पर हम जिन्हें बोलते हैं कि छोटे से छोटे गांव के अंदर कोई पंचायत चलता है, तो वो भी लोकल अथॉरिटी में आता है। यस, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। और इतना ही नहीं, यूनियन टेरिटरी यूटी, जैसे कि मैंने आपको कहा, और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट में हमको ये सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करना है। अब इतना बोलने के बाद में हमें ये समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट क्या है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के डेफिनेशन के देखने के बाद में, कि अब ये जो गवर्नमेंट है, या फिर जितनी भी डेफिनेशन में हमने पार्ट्स देखे हैं, उनमें से कोई भी पर्सन अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या वो सब सर्विसेज एग्जम्प्ट है, क्या उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा? तो उसका आंसर ये है जो अगली लाइन में लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट All services by government are exempt, उनको टैक्स नहीं लगाया गया है उनके ऊपर। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, अपनी एक्टिविटीज़ पर टैक्स लगाएगी, टैक्स वापस घूम के उनके पास ही आएगा, फिर उसको यूज़ करना पड़ेगा फॉर इट्स वेरियस purposes। हालांकि करना पड़ेगा, अगर आप ऐसी सर्विसेज कर रहे हैं जो exemption से बाहर है, तो उसमें यस गवर्नमेंट को भी टैक्स चार्ज करना पड़ेगा और उसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा। बट ऑलमोस्ट ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट की सारी जो एक्टिविटीज़ है, सर्विसेज रिलेटेड बात चल रही है, वो सब exempt है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जिन्हें बोला जाता है कि इनके बिना तो काम होता ही नहीं है। मतलब कि गवर्नमेंट अगर ये सब चीज़ें कर रही है, तो वो भी एग्जम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबली होगा। तो ऐसे एक्सेप्शन क्या है, मतलब हम आने वाले जो पॉइंट्स देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर, वो ये पॉइंट्स होंगे कि ये सर्विसेज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और वो एग्जम्प्ट नहीं है। मतलब कि इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, टैक्सेबल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। मतलब कि अब हम जो भी नाम देखेंगे, वो सब सर्विसेज के वो नाम होंगे जो टैक्सेबल है और गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आपने बोला एक सर गवर्नमेंट की सर्विसेज एग्जम्प्ट होती है, कुछ एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं ना, उन एक्सेप्शंस को आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम कुछ ऐसी मेजर तीन सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये तीनों सर्विसेज कौन सी, हम इनके थ्रू यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले अच्छे से इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, दीज थ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और नॉट, इसको साथ में ब्रैकेट में डाल देता हूँ। मतलब कि ऑब्वियसली ये जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वो तो हम समझ गए, दीज आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, दिस इज फॉर श्योर। बट ये किसको प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट को दे, या फिर गवर्नमेंट कोई नॉन गवर्नमेंट को दे, मतलब कि किसी प्राइवेट कंपनीज को दे, इंडिविजुअल को दे, और किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे, किसी को भी दे, वो गवर्नमेंट ना हो तो भी। तो चाहे ये सर्विसेज गवर्नमेंट को दी जा रही हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को दी जा रही हो, दीज आर टैक्सेबल बाय नेचर, ये बात पक्की है। और यहाँ पर आगे क्या लिखा जा रहा है, विदाउट W/O एनी अमाउंट लिमिट, मतलब कि कोई भी अमाउंट की लिमिट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने यहाँ पर 15 रुपये की भी ये सर्विस दी है, तो उसके ऊपर GST लगेगा, वो टैक्सेबल है, बिकॉज दीज आर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो ये सर्विसेज कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। सबसे पहला लिखा है यहां पर इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट यानी कि जो पोस्टल सर्विसेज होती है, जो इंडियन पोस्ट हमारे यहाँ चलता है, डाक जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में, तो वो जो डाक की सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इंडियन पोस्ट है, गवर्नमेंट का काम है, तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। उसका ऑपरेशन हम नीचे करेंगे यहाँ पर, कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल रहेगी, कौन सी एग्जम्प्ट रहेगी, उसका ये ऑपरेशन यहाँ पर दिया गया है। तो इंडियन पोस्ट, एक बार को आप जनरली देखिए कि इंडियन पोस्ट इट्स अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट,
किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? ये गवर्नमेंट हो सकता है कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे या फिर किसी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी को प्रोवाइड करे, किसी को भी करे तो वो बिल्कुल टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट को कैसे प्रोवाइड करेगा? जैसे इंडियन पोस्ट का टाई अप हो गया है लेट से बीएसएनएल के साथ में, तो बीएसएनएल के जितने भी बिल्स हैं वो इंडियन पोस्ट के थ्रू उसके कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। सो इंडियन पोस्ट अपनी सर्विसेज किसको दे रही है? बीएसएनएल, जो क्या है, एक गवर्नमेंट एंटिटी है। तो यहां पर इस तरीके से आपको समझना होगा कि या तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट को दे या फिर नॉन गवर्नमेंट को दे, इंडियन पोस्ट टैक्सेबल है। अगला है, एयरक्राफ्ट या फिर एयर वेसल से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज होती है जो एयरपोर्ट पर दी जा रही है, एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट एयर वेसल से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज अगर है और वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, सो दो सर्विसेज विल बी टैक्सेबल फॉर श्योर विदाउट एनी अमाउंट लिमिट, एंड वो चाहे गवर्नमेंट को दी जाए चाहे नॉन गवर्नमेंट को दी जाए। मतलब अगर ये जो सर्विसेज है एयर इंडिया को दी जा रही है जो गवर्नमेंट एंटिटी है, सो वो किसी को भी दी जा रही हो, ये जो एयरक्राफ्ट की सर्विसेज है या फिर वेसल से रिलेटेड सर्विसेज है जो पोर्ट पर दी जा रही हो या फिर एयरपोर्ट पर दी जा रही हो या फिर उनसे बाहर किसी भी एरिया पर दी जा रही हो, गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड कर रही है तो वो होगी टैक्सेबल, दिस इज फॉर श्योर। ये हमारी दूसरी कंपल्शन वाली सर्विस। तीसरी है, यहाँ पर बस बना हुआ है, बस और प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रेन। अब ट्रेन क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए गुड्स और पैसेंजर्स दोनों लिखा है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, या तो आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने ट्रेन भी लिखा है। इन दोनों ही सिचुएशंस में जीएसटी लगना ज़रूरी है, यहाँ पर ये एक्ट को टैक्सेबल बोला जाएगा। मतलब गवर्नमेंट आईआरसीटीसी अगर प्रोवाइड कर रही है आपको टिकट्स निकालने की व्यवस्था, तो क्या उसको जीएसटी लगाना पड़ता है ट्रेन टिकट के ऊपर? यस। क्या उसको एयरक्राफ्ट वाली सर्विसेज पे लगाना पड़ता है? यस। क्या इंडियन पोस्ट की सर्विसेज पे लगाना पड़ता है? यस। ये सब टैक्सेबल इन नेचर? यस। क्या कोई अमाउंट का इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है? नहीं। अमाउंट की बात यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं बार-बार, क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे एक लाइन लिखी हुई है ब्लॉक में, दे विल बी टैक्सेबल इन एनी सिचुएशन exceptions to all clauses। इसका मतलब क्या है? मैंने स्टार बनाया है और इसका मतलब ये है कि आगे जितने भी क्लॉजेस आएंगे उन सब में एक ना एक एक्सेप्शन रहेगा जिसका वहां पर सब जगह जिक्र किया गया है। वो एक्सेप्शन और कुछ नहीं है, वो ये तीन एक्टिविटीज है। तो ये तीनों जो सर्विसेज है एक्टिविटीज है ये एक्सेप्शन है टू ऑल द क्लॉजेस जो आगे आने वाले हैं, इसीलिए इनको बोला गया है कि चाहे अमाउंट की कोई बंदिश लगाई गई हो आगे किसी क्लॉज में तो उसका एक्सेप्शन क्या है ये। मतलब कोई अमाउंट की बंदिश इनके ऊपर नहीं है, ये अगर आपने दी तो टैक्सेबल हो गया। इसमें इसलिए लिखा गया है कि अगर नॉन गवर्नमेंट को दे रहे हो तो भी ये टैक्सेबल है। यस, अगर गवर्नमेंट को दे रहे हो तो भी ये टैक्सेबल है। तो तीन सर्विसेज आपको ध्यान में रखनी है, इंडियन पोस्ट है, एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज है, और तीसरा है हमारा पैसेंजर या फिर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। अगर इन तीनों ही एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो इररिस्पेक्टिव कि वो किसको दिया जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। बट इंडियन पोस्ट में थोड़ा सा ऑपरेशन और ज़्यादा डीपली हमें देखना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स है इंडियन पोस्ट के अंदर पोस्टल सर्विसेज से रिलेटेड, देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के क्या पॉइंट्स है, लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। अब इंडियन पोस्ट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, उसका बेसिक काम क्या होता है? बेसिक उसका मेल सर्विसेज होता है, तो क्या उस पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा क्या? नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जो बेसिक मेल सर्विसेज है, जो एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का बेसिक काम है, जैसे कि जहाँ पर जो अकाउंट्स खुलवाए गए हैं उन सेविंग अकाउंट्स का हिसाब रखना, उसमें डिपॉजिट्स करवाना, उसमें विड्रॉल करवाना, मनी ऑर्डर सेंड करना, रिसीव करना, मेल सर्विसेज देना, ये सब उसके बेसिक सर्विसेज है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है इन चार पॉइंट्स के अंदर, लेट्स सी। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ये पॉइंट्स पहले देखिए आप, बेसिक मेल सर्विसेज लाइक पोस्टकार्ड्स इधर से उधर भेजना, बुक पोस्ट करना, ये सब एग्जम्प्ट है। इतना ही नहीं, मनी ऑर्डर्स रिसीव करना, सेविंग बैंक अकाउंट के ऑपरेशंस करना एक्सेट्रा, ये सब एग्जम्प्ट होगा क्योंकि ये बेसिक रिक्वायर्ड सर्विसेज है ना, आप इसके ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? अगर कुछ स्पेशल नेचर की सर्विसेज होगी, जैसे अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप एक्सप्रेस पार्सल भेज रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। आपकी तीन दिन में आपको चाहिए कि स्पीड पोस्ट चाहिए, दो दिन के अंदर पहुंचना चाहिए, ओके, उस पर जीएसटी लग जाएगा। एक्सप्रेस पार्सल भेजेंगे, यस बिल्कुल जीएसटी लग जाएगा। नॉर्मल आप रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, आप बुक पोस्ट भेजेंगे तो ठीक है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, वो बेसिक सर्विस है। इसके अलावा
पोस्ट यानी कि इंडियन पोस्ट एक और काम करता है, वो करता है एजेंसीज की सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज क्या होती है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस का इधर से उधर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भेजना, वो कलेक्ट करना और रिसिपिएंट तक वो पहुंचाना। ऐसे दूसरे भी एजेंसी वाले सर्विसेज हैं, जैसे म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन्स के बिल इधर से उधर पहुंचाना। ये सब क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है जिसमें ये जो इंडियन पोस्ट है ये कमीशन एजेंट जैसे काम करता है। एजेंट मतलब कि ये सिर्फ यहाँ पर भेजने की इधर से उधर बात चल रही है, तो कमीशन जैसे काम करता है यहाँ पर, और इसलिए इसको बोला जाता है एजेंसी सर्विस। ये BSNL के साथ में, एयरटेल के साथ में, किसी के साथ में टेलीफोन है, जियो है, उन सब के बिल्स है, वो सब इंडियन पोस्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड का मैंने आपको बताया और साथ ही में लाइफ इंश्योरेंस का बताया। तो अगर ऐसी एजेंसी सर्विसेज एक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट इसमें कंडीशन क्या है, व्हेन प्रोवाइडेड टू अदर देन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर अदर देन गवर्नमेंट है तो फिर टैक्सेबल होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें अदर देन गवर्नमेंट वाला पॉइंट आ रहा है, तो वो आपको याद रखना है इंडियन पोस्ट के अंदर। सर आपने हेडिंग में लिखा था चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो ये टैक्सेबल रहेगा, यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो ये टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जम्प्ट हो रहा है, ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इररिस्पेक्टिव कि वो गवर्नमेंट को दे रहा है नॉन गवर्नमेंट को दे रहा है, वो टैक्सेबल है। यस, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, टैक्सेबल टैक्सेबल एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, यानी बेसिक सर्विसेज को बाहर निकाल दिया गया है। हम किन सर्विसेज को टैक्स कर रहे हैं, जो स्पेशल नेचर की सर्विसेज हैं। अब अगर आप एजेंसी सर्विसेज दे रहे हो तो एजेंसी सर्विस का सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो फिर उस पर आप कैसे, गवर्नमेंट ही ये काम कर रही है, गवर्नमेंट ही एजेंट हो गया और गवर्नमेंट को ही दे रही है, तो फिर यहाँ पर टैक्स की बात कहाँ से आती है? अगर आप ये एजेंसी सर्विस अदर देन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर टैक्सेबल हो जाती है नेचर में। ये चार पॉइंट इसीलिए आपको यहाँ पर याद करना है, ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा टैक्सेबिलिटी के केस में दिखाए जाएंगे, व्हेन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अभी हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट चाहे पोस्ट करे, गवर्नमेंट चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स करे, गुड्स करे, गवर्नमेंट चाहे एयरक्राफ्ट वेसल की कोई भी सर्विसेज दे, वो टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर GST लगेगा। कब नहीं लगेगा वो पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड अगला प्रोविजन, यानी कि अभी तक हमने देखा है कि गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उसमें तीन एसेंशियल सर्विसेज देखी जिनको टैक्सेबिलिटी में रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि अगर सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है वो बिजनेस एंटिटीज को करी है तो उसमें टैक्सेबिलिटी आपको कैसे रखना है, आइए देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज बाय गवर्नमेंट, अब यहाँ पर भी स्टार मार्क मैंने बना रखा है, इसका मतलब क्या है, ये स्टार मार्क कनेक्टेड है अभी जो हमने देखा है पिछले पेज पे, कि ये जो तीनों चीज़ें हैं यानी कि पोस्टल, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों ही हमेशा टैक्सेबिलिटी रहेगी। तो अगर यहाँ पर ये सर्विसेज जो है वो बिजनेस एंटिटीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, सो अगर ये सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटीज़ को दी जा रही है तो ये सर्विसेज बिजनेस एंटिटीज़ को देने पर गवर्नमेंट का टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, हमें वो देखना है, चलिए देखते हैं। सो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस, बिजनेस एंटिटीज़ की बात चल रही है यहाँ पर, एक गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को कोई भी सर्विस चीज़ प्रोवाइड करी है तो क्या होगा, जैसे रेंटिंग ऑफ शॉप्स हैं, होर्डिंग्स हैं एक्सेट्रा, ये सब क्या होगा, हमेशा टैक्सेबल रहेगा। मतलब चार चीज़ें टैक्सेबल हो गई, अगर हम देखें स्टार्टिंग से, तो पोस्ट आपने टैक्सेबल कर दिया, एयरक्राफ्ट आपने टैक्सेबल कर दिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन भी टैक्सेबल कर दिया, और आपने बोला कि अगर हम बिजनेस एंटिटी को देंगे यानी कि गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करेगी बिजनेस एंटिटी को तो वो भी टैक्सेबल है। तो फिर क्या टैक्सेबल नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बट ई, यानी कि एग्जम्प्ट क्या होगा, बिजनेस हुज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 20 or 10 lakhs। सर दो दो टर्नओवर की लिमिट क्यों दी गई है, हमको पता है सर 10 lakh जो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10 बार। तो जिन एंटिटीज़ का, बिजनेस एंटिटीज़ का टर्नओवर इस लिमिट के नीचे है और उनको गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो फिर वो एग्जम्प्ट होगा। तो सर यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि बिजनेस एंटिटीज़ को जब गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो टैक्सेबल है तब जब बिजनेस एंटिटीज़ का जो टर्नओवर है वो 20 or 10 lakh के ऊपर होगा।
सिंपल सी बात है। सो ऐसे बिजनेस एंटिटीज जिनका टर्नओवर 20 लाख 10 लाख के ऊपर है और उनको सर्विस दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वहां पर टैक्सेबिलिटी बिल्कुल रहेगी, जीएसटी पिक्चर में जरूर जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट इस शीट के ऊपर, और यहाँ पर बना हुआ था स्टार, जैसा कि मैंने आपको बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एग्जम्प्ट बोल रहे हो 20 लाख और 10 लाख से नीचे वाली बिजनेस एंटिटीज़ को अगर सर्विस प्रोवाइड की है तो एग्जम्प्ट है। लेट्स से एक एंटिटी है जिसका टर्नओवर 8 लाख है, गवर्नमेंट ने उसको सर्विस प्रोवाइड करी है किस चीज़ की, ट्रांसपोर्टेशन की। अब आप बताइए क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा। तो ये बात आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टार मार्क लगाया है कि ये फिर से यहाँ पर एक्सेप्शन है इन तीनों ही केसेस का। मतलब कि अगर बिजनेस एंटिटी को 20 लाख 10 लाख के नीचे रखा गया है, एग्जम्प्ट बोला गया है, और उनको अगर आप इन तीन सर्विसेज में कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो कंपल्सरीली विदाउट एनी अमाउंट का फिल्टर, मैंने आपको पहले ही बोला था, वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब पोस्टल सर्विसेज टू दिस एंटिटी और एयरक्राफ्ट सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज टू दिस एंटिटी टैक्सेबल। हमें यहां पर अमाउंट से लेना देना कुछ भी नहीं है, किनके लिए, इन तीनों के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो ये बिजनेस एंटिटी का पहला फंक्शन हमारा यहां पर खत्म होता है। पहले म्यूनिसिपैलिटी हमने देखा, पंचायत देखा, गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज करती है वो सब एग्जम्प्ट होगा। उसके बाद में हमने देखा तीन ऐसे इंपॉर्टेंट जो टैक्सेबल होगा, तो हम एग्जम्प्ट टैक्सेबल इन सबको मिक्स करके पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट जब बिजनेस एंटिटीज को सर्विस प्रोवाइड करती है तो टैक्सेबल कब होगा, एग्जम्प्ट कब होगा। 210 के नीचे तो एग्जम्प्ट होगा, 210 के ऊपर है तो टैक्सेबल होगा। 210 के नीचे है और रिस्पेक्टेड तीन ऐसी सर्विसेज दी जा रही है जो कौन कौन सी है, पोस्टल है, एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है। अगर ये तीन सर्विसेज 210 लाख से नीचे वाले बिजनेस एंटिटीज को भी दी जा रही है तो भी वो टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं अगली सर्विस। अब अगली जो सर्विस हमको यहाँ पर दिख रही है वो देखिए, बड़ी इजी सी बात है। इनका कहना है कि कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड की गई है बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड किया है, वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल अथॉरिटी को, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो फिर क्या होगा, तो इनका कहना है कि वो एग्जम्प्ट होगा। आप क्यों घबरा रहे हैं, एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट को कोई भी सर्विसेज दे रही है, आपको उससे क्या करना है। बट यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, स्टार मार्क लगा हुआ का मतलब क्या कि अगर एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टेशन दे, पोस्टल दे, एयरक्राफ्ट दे तो तब भी टैक्सेबल रहेगा। यस सर, हम शुरुआत में देख चुके हैं, आपने बोल दिया है कि उनकी टैक्सेबिलिटी हमेशा मेंटेन रहती है इररिस्पेक्टिव कि वो गवर्नमेंट को दे, नॉन गवर्नमेंट को दे, किसी अमाउंट के लिए दे, किसी को भी दे, बिजनेस एंटिटी को दे, पर ये तीन चीज़ें जब भी दोगे टैक्सेबल रहेगी, तो वो बात हमको पता है। तो ये हमारी दूसरी सर्विस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यस एग्जम्प्ट बट स्टार मार्क, यानी कि इन तीन में है तो फिर टैक्सेबल है। अगला पॉइंट क्या, अमाउंट बेस्ड एग्जम्प्शन है। मतलब कि इनका कहना है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है और उसकी वैल्यू 5,000 रुपये से कम है तो फिर एग्जम्प्ट है। इतनी छोटी सी वैल्यू का अगर कोई सर्विस दिया जा रहा है बाय गवर्नमेंट तो उस पर क्या जीएसटी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। बट यहाँ पर भी स्टार मार्क है, और यहाँ पर स्टार मार्क का मतलब क्या है, अगेन वही कि अगर आपने 200 रुपये का पोस्टल सर्विस भी दी है तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा, यस बिल्कुल लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों सर्विसेज है ये किसी भी अमाउंट की दरकार नहीं रखती है। मतलब कि अगर आपने मात्र 200 रुपये का भी सर्विस प्रोवाइड करी है और वो पोस्टल है या एयरक्राफ्ट है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर जीएसटी बिल्कुल लगेगा। तो ये अमाउंट वाला इसका भी जो एक्सेप्शन है वो ये तीन है, इसका भी एक्सेप्शन है वो ये तीन है, और इसका भी जो एक्सेप्शन है वो तीन है। मतलब ये तीन तो एग्जम्प्ट होने ही नहीं वाले हैं, ये हमको गारंटेड पता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखना रहेगा कि कहीं पोस्टल, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर तो नहीं दे रखा है। अगर दे रखा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेबल कर देना, सोचना मत आप। बट अगर नहीं दे रखा है तो फिर आप देखना एक एक हेडिंग वाइज ये कहां पर फिट बैठ रहा है। इस तरीके से हमने ये भी देखा, बिजनेस वाला, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी देखा और अमाउंट वाला भी देखा। अब इसके बाद में देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज दी जा रही है, यस बिल्कुल। तो गवर्नमेंट एक एंटिटी है, लेट्स से कोई एक कंपनी है जो गवर्नमेंट ओन करती है। नाउ इस एंटिटी ने गवर्नमेंट को कोई सर्विसेज दी है और जो कंसिडरेशन है उन दोनों के बीच में वो क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ग्रांट दे दिया है। यानी कि लेट्स से कोई एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जी कंपनी है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है,
LIC भी आप ले सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल के लिए LIC, तो LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है। नाउ LIC जो एक एंटिटी है उसने गवर्नमेंट को बींग अ कंपनी कुछ सर्विस प्रोवाइड करी है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपने जो सर्विस प्रोवाइड करी है उसके लिए हम आपको कंसिडरेशन देंगे। कंसिडरेशन किस फॉर्म में दे रहे हैं? हम आपको ग्रांट के फॉर्म में कंसिडरेशन दे रहे हैं, आपको कुछ लाख रुपए की छूट दे देंगे, आप इस एरिया में काम करिए तो आपको इतनी छूट मिल जाएगी, आपको इतनी फंडिंग मिल जाएगी, जो भी है ग्रांट के तरीके से आपको कंसिडरेशन दिया गया है। जब एक गवर्नमेंट एंटिटी ने नॉर्मल गवर्नमेंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है तब उसका क्या होगा, वो एग्जम्प्ट है। मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट हो, कंसिडरेशन किसी भी तरीके में आया हो, एग्जम्प्ट है, GST नहीं लगने वाला है। तो ये हमने टोटल इस पेज पर 1 बिजनेस एंटिटी का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का 2, अमाउंट बेस्ड 3 और गवर्नमेंट एंटिटी टू गवर्नमेंट का 4, ऐसे 4 हमने एग्जम्पशंस यहाँ देखे हैं। सबसे पहला म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वाला हमने देखा था 5, उसके बाद में 3 हमने देखे थे जो मेजर यहाँ पर 3 टैक्सेबिलिटी वाले प्रोविजंस हैं, तो 5 और 3 8 ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज पे हम टोटल आने वाले 5 एग्जम्पशंस और डिस्कस करने वाले हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है। आपको आपके मॉड्यूल में ये सभी एग्जम्पशंस एंट्रीज के फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम एंट्रीज के फॉर्म में एंट्री नंबर तो याद नहीं कर सकते हैं, हम उन सभी रिलेटेड पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1, मैंने बुलेट पॉइंट्स में कर रखा है। हम लास्ट में समरी बनाएंगे, सारे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बात करता है ओल्ड एज होम के बारे में, मतलब कि जिसे हम कहते हैं वृद्धाश्रम। अगर कोई वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है, जहाँ पर 60+ जिनकी एज है वो वाले लोग रहते हैं, और दैट इज रन बाय गवर्नमेंट या फिर 12AA अंडर इनकम टैक्स। तो अगर कोई एंटिटी है जो 12AA में रजिस्टर्ड है, यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, और या फिर कोई गवर्नमेंट है, अगर ये दोनों कोई ऐसा ओल्ड एज होम चलाते हैं जहाँ पर 60+ से ज़्यादा एजेड वाले लोग रहते हैं, और वहाँ पर एक आदमी का जो खर्चा है एक महीने का वो 25,000 रुपीज़ का है, खर्चे से मतलब कि जो उनसे पैसा लिया जाता है या चार्ज किया जाता है या उनका खर्चा है, अगर वो 25,000 रुपये से कम है या 25,000 है पर मेम्बर फॉर अ मंथ, 60+ एजेड पीपल जो रहते हैं, रन बाय गवर्नमेंट है या फिर 12AA वाली ट्रस्ट है और ओल्ड एज होम है, तो वहां पर इस सर्विस को एग्जम्प्ट बोला गया है, यहां पर GST नहीं लगेगा। तो आपको ओल्ड एज होम याद रखना है। अगला पॉइंट, सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग गारंटी बाय गवर्नमेंट। गारंटी दिया जा रहा है, गारंटी किस चीज का दिया जाता है? जो हम गारंटी डे टू डे में देते हैं वही नहीं कि मैंने इसकी गारंटी दी, यहाँ पर गारंटी बात चल रही है लॉ के टर्म्स में, यानी कि कोई एंटिटी ने, कोई कंपनी ने लोन लिया है, उस लोन के अगेंस्ट गारंटी देना पड़ रही है, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट एंटिटी है या फिर गवर्नमेंट है, उसने दूसरी कंपनी के लिए, कोई PSU के लिए यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए गारंटी दी है, क्योंकि उस PSU ने लोन ले रखा है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये जो गारंटी का अमाउंट फिक्स हुआ है वो एक तरीके से कंसिडरेशन है, क्या इसके ऊपर GST लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब गवर्नमेंट अगर किसी PSU की गारंटी दे रही है फॉर द लोन टेकन, तो वो GST से एग्जम्प्ट है, यही बात लिखी हुई है। सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग गारंटी बाय गवर्नमेंट टू PSUs एंड टू देयर अंडरटेकिंग्स फॉर लोन्स टेकन बाय देम फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? लोन की गारंटी, यहाँ पर याद रखना है आपको ओल्ड एज होम। अगला पॉइंट, अब गवर्नमेंट छोटी छोटी सर्विसेज देता है जिसके लिए गवर्नमेंट को बनाया गया है, आधार कार्ड की सर्विसेज देना, पासपोर्ट की सर्विसेज देना, डेथ का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, बर्थ सर्टिफिकेट देना, ये सब बेसिक सर्विसेज है जो एक गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ती है। इन सब के ऊपर कोई भी GST नहीं लगेगा। रजिस्ट्रेशंस आपको करवाने पड़ते हैं तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी देती है एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर, तो वो सर्टिफिकेट जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन जो आप करवा रहे हो, उन सब पे GST नहीं लगेगा। एग्जम्प्ट सर्विसेज है रजिस्ट्रेशन की, पासपोर्ट की, सर्टिफिकेट की लाइक डेथ और बर्थ की एक्सेट्रा। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट, यानी कि गवर्नमेंट का किसी कंपनी के साथ में कोई एग्रीमेंट हुआ कि आप मुझे लेट से 12 दिसंबर तक आप हमें ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके देंगे, तो ये एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट में लिखा कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट
सही टाइम पे फुलफिल नहीं किया तो फिर पेनल्टी क्लॉज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो कंपनी ने कहा ओके, लेट्स से कंपनी टेंडर पास करती है कि इन रोड्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हम फाइन या पेनल्टी लगाएंगे, आपको देनी पड़ेगी। लेट्स से गवर्नमेंट ने बोला कि 10 लाख रुपये दीजिए, आपने एक साल लेट हमें काम करके दिया है, ये जो 10 लाख रुपये वो कंपनी गवर्नमेंट को देगी उसके ऊपर क्या GST लगेगा? नहीं लगेगा, ये भी एग्जम्प्ट रहेगा। सो फाइन्स एंड पेनल्टीज कलेक्टेड by government by tolerating non-performance of contract by any party exempt है। आखिरी पॉइंट, डेप्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर ऑफिस आवर्स और ऑन हॉलीडे टैक्सेबल है। इनका कहना है कि कोई फंक्शन हो रहा है, जैसे कर्नाटका के अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, कोई ट्रस्ट है, उसने बोला कर्नाटका गवर्नमेंट को कि मुझे इस फंक्शन के लिए पुलिस सिक्योरिटी चाहिए, तो उन्होंने पुलिस सिक्योरिटी वहाँ पर अवेलेबल करवा दी गवर्नमेंट ने, और वहाँ पर पूरा कम से कम 50 लोगों की सिक्योरिटी गई, जीप्स गई, सारी चीज़ें गई। सो वहाँ पर 50 लोग पूरे सिक्योरिटी के लिए पहुँच गए, वहाँ पर जीप्स गई, ग्राउंड सिक्योरिटी उन्होंने मेंटेन करी, सब कुछ किया। क्या ये फ्री के लिए होता है? नहीं, गवर्नमेंट इसके लिए फीस चार्ज करता है। क्या वो टैक्सेबल है? यस, बिल्कुल टैक्सेबल है। तो अपने ऑफिसर्स को वहाँ पर डिप्यूट करना, रखना, स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसके लिए गवर्नमेंट चार्ज करती है, उसके ऊपर GST लगता है, बिल्कुल लगता है। सो ओल्ड एज होम एग्जम्प्ट है, गारंटी देना एग्जम्प्ट है, बेसिक सर्विसेज देना एग्जम्प्ट है, फाइन्स एंड पेनल्टीज कलेक्ट करना एग्जम्प्ट है, डिप्यूटी ऑफिसर्स को सिक्योरिटी के लिए रखना वहाँ पर एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। ये हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स देखे, उससे पहले हमने डिटेल्ड वाले डिस्कशन कर लिए हैं। अब आखिरी एक सर्विस है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं। अब दोस्तों अगली जो सर्विस है ये अमेंडमेंट के साथ में यहाँ पर बताई गई थी, नए इंट्रोड्यूस हुई है, इसको हम समझते हैं अच्छे से। इसका नाम है सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं आया है, टू ERCC, इसे कहते हैं एक्सेस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर कलेक्शन, मतलब एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर इसे बोला जाता है। तो ये एक पर्सन है जिसे अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब आप देखिए, एक स्टेट है, लेट्स से कोई भी स्टेट है, महाराष्ट्र के अंदर है, माइंस आपको पता होगा, माइंस होता है जहाँ पर माइनिंग की जाती है, जहाँ पर आपको अर्थ में से यानी कि नीचे से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मतलब कोल माइंस होती है, गोल्ड माइंस होती है, ऐसे अलग अलग माइंस होती है। तो माइंस का आपको एक अलग से यहाँ पर ऑथराइजेशन लेना पड़ता है इंडिया के अंदर कि इस माइन को आपने यूज़ किया है और इसका जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसको आप सेल करेंगे। बट ये जो माइन है, इस माइन के होते हैं माइनिंग लीज होल्डर्स, मतलब कि जिसके पास में उसकी लीज रहती है, जो उसका यूज़र है, इन्हें बोला जाता है MLH। तो ये माइनिंग लीज होल्डर्स होते हैं। अब ये माइनिंग लीज होल्डर क्या करते हैं कि इसमें से जो भी मिनरल्स निकलते हैं उनको सेल ऑफ करते हैं। सो लेट्स से 10 लाख रुपए का पूरे साल भर के अंदर इस पर्सन ने यहाँ से मिनरल्स निकाले, मतलब 10 लाख रुपए के ऊपर यहाँ पर GST लगना चाहिए। अभी तो ये कंसर्न हमारा चल रहा है, एग्जम्पशन क्या है वो हमने अभी समझा नहीं है, मैं आपको पूरा यहाँ पर जो सिनेरियो है वो समझा रहा हूँ। तो इस स्टेट के अंदर एक माइन है, उसका एक माइनिंग लीज होल्डर है, वो यहाँ पर माइनिंग करके मिनरल्स निकालता है और बाहर बेचता है 10 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है? स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जगह किसकी है? जगह तो ये पूरी सरकार की जगह है ना, जो माइन जिसको आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर तो लीज में हमने आपको दी रखी है, पर इसके ऊपर जो मिनरल निकल रहे हैं उस पर हमारा भी तो हक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो मिनरल जितने भी निकले हैं उस पर हमें रॉयल्टी चाहिए। ये जो रॉयल्टी रहेगी 10 लाख रुपए पर, आप वो हमें दीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि मैं एक पर्सन को अपॉइंट करती हूँ, ERCC जो रहेगा वो यहाँ पर माइनिंग लीज होल्डर से क्या कलेक्ट करेगा, रॉयल्टी कलेक्ट करेगा और वो हमको पे ऑफ करेगा। ये होता है पूरा ट्रांजेक्शन। अब इसमें हमको देखना है कि अमाउंट कहाँ कहाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखिए, दो अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। पहला अमाउंट तो क्या हो रहा है, जो यहाँ पर माइनिंग लीज होल्डर ने जितने के मिनरल्स निकाले हैं उसके ऊपर एक रॉयल्टी का अमाउंट आता है, यानी कि 10 लाख रुपए पर लेट से 25% का रॉयल्टी बनता है। तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए का रॉयल्टी गवर्नमेंट का बनता था, जो ERCC को पे ऑफ करना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो 10 लाख रुपए पर 25% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए का रॉयल्टी बनता था और उसके ऊपर GST।
तो इसके ऊपर जीएसटी का अमाउंट बनेगा इस रॉयल्टी के ऊपर। बट ये जो रॉयल्टी कलेक्ट करने की सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईआरसीसी को ये जो सर्विस दी है, यानी कि कौन सी, कि आप मेरे बिहाफ पर रॉयल्टी कलेक्ट करिए, इसको बोला गया है एग्जम्प्ट, यानी कि इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये है एग्जम्प्ट, जीएसटी इसके ऊपर नहीं लग रहा है। बट यहाँ पर क्या हो सकता है, लेट्स से कि टोटल रॉयल्टी जो बनती है वो 2.5 लाख रुपए की बनती है, मतलब 2.5 लाख पे जीएसटी बनता है। तो लेट से हम उसका एग्जांपल लेते हैं 45,000 का। सो टोटल 45,000 का एग्जम्प्ट होना चाहिए जीएसटी। बट एमएलएच जो है, यानी कि माइलिंग लीज होल्डर है, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली कुछ जीएसटी का अमाउंट भी पे करता है। तो उसने जो जीएसटी पे कर रखा है, लेट से वो कितना है, वो है 30,000 रुपीज़ का। सो इन दिस सिनेरियो क्या हो रहा है कि एग्जम्प्शन टोटल रॉयल्टी के ऊपर कितना बनता है, 45,000 का, और हकीकत में उसने गवर्नमेंट को सिर्फ 30,000 रुपए ही पे करे हैं। तो इस वाली सिचुएशन में जो बचे हुए 15,000 है वो कौन पे करेगा? ये करेगा ईआरसीसी। तो ईआरसीसी को यहां पर एग्जम्प्शन में ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये ईआरसीसी वाला जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है वो भी समझा। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप बस इतना समझ लीजिए कि पूरे स्टेट में अलग अलग जगह माइंस होती है, क्वारीज होती है, जहां पर ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और मिनरल्स को बेचते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इसकी रॉयल्टी हमें चाहिए, तो वो हर एरिया में एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करती है। वो एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा गवर्नमेंट को पे ऑफ करते रहता है। अगर उस अमाउंट से ज़्यादा वहाँ पर मिनरल्स को निकाल के बेचा जाता है, तो उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा डिफरेंस होता है वो ईआरसीसी पे ऑफ करता है किसको, गवर्नमेंट को। तो ये जो गवर्नमेंट और ईआरसीसी के बीच का जो ये सर्विस है, ये एग्जम्प्ट है, इसकी बात यहाँ पर चल रही है। ईआरसीसी क्या कलेक्ट कर रहा है, किसको दे रहा है, वो सब तो हमने यहाँ पर समझ लिया है। आपको बस फोकस में रखना है कि दिस ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड ईआरसीसी इज एग्जम्प्ट। बट अगर इससे ज़्यादा कोई भी उनका जो अमाउंट डिसाइडेड है उससे ज़्यादा अगर जीएसटी निकलता है, तो फिर वो एग्जम नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा। उतना अमाउंट गवर्नमेंट को उसे देना पड़ेगा, उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। इस तरीके से पूरे वीडियो के अंदर दोस्तों हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज का ये एग्जम्पशन पूरी तरीके से समझ लिया है। हमने देखा गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटी में म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, इनके थ्रू जो भी सर्विसेज है सब एग्जम्प्ट है। इसके बाद में हमने तीन ऐसी सर्विसेज देखी जो किसी को भी अगर दी जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट है, बट देने वाला कौन है, गवर्नमेंट है, तो वो किना किसी अमाउंट के फिल्टर के वो जो सर्विसेज है वो टैक्सेबल रहेगी। पोस्टल सर्विसेज है, एयरक्राफ्ट या फिर वेसल की सर्विसेज है, जो पोर्ट पे दी जाए, एयरपोर्ट पे दी जाए या कहीं बाहर दी जाए। इसके अलावा जो सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ये तीनों सर्विसेज हमेशा टैक्सेबल रहेगी। बट एजेंसी सर्विस में आपको ध्यान रखना है कि अगर गवर्नमेंट एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है थ्रू इंडियन पोस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड का, टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी का, और वो भी टू सम अदर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, तो वो टैक्सेबल रहेगा। इस तरीके से बेसिक एक्टिविटीज ऑफ इंडियन पोस्ट, तो वो एग्जम्प्ट है। स्पीड पोस्ट वगैरह, मनी ऑर्डर्स, ये सब जो भी चीज़ें हैं, स्पीड पोस्ट तो टैक्सेबल हो जाएगा, मनी ऑर्डर सर्विसेज बेसिक में आने की वजह से एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ये तीन सर्विसेज देखी। उसके बाद में हमने कुछ छोटी छोटी दो सर्विसेज देखी, जिसके अंदर हमने देखा बिजनेस एंटिटीज को अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो एग्जम्प्ट होगा। बट वो बिजनेस एंटिटीज 20 लाख और 10 लाख के नीचे वाली होनी चाहिए। अगर 20 लाख और 10 लाख के टर्नओवर से ऊपर वाली है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप इन एंटिटीज को ये तीन सर्विसेज दे रहे हो जो हमारी बेसिक रिक्वायर्ड टैक्सेबल सर्विसेज है, तो वो इन एनी केस वो टैक्सेबल रहने ही वाली है। इसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को दे रही है तो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट एंटिटीज अगर गवर्नमेंट को दे रही है और उसका कंसिडरेशन ग्रांट के स्टाइल में दिया जा रहा है बैक टू द गवर्नमेंट एंटिटीज, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। यहाँ पर एक अमाउंट का एग्जम्पशन भी दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करे अगर वो 5,000 रुपये से नीचे वाली है ना, तो एग्जम्प्ट है, जीएसटी यहाँ पर फोकस में नहीं आता। फिर इसके बाद में हमने देखा था ओल्ड एज होम। तो ओल्ड एज होम वाला अगर कोई भी ऐसा वृद्धाश्रम है विच इज़ रन बाय 12AA या फिर गवर्नमेंट, वहाँ पर 60+ लोग जो है, वृद्ध लोग वहाँ पर रहते हैं और एक आदमी का खर्चा 25,000 रुपये है एक महीने के लिए, तो फिर वो एग्जम्प्ट होगा। इसके बाद में तीन इंटरेस्टिंग सर्विसेज हमने देखी। पहली सर्विस थी कि अगर गवर्नमेंट अपनी पीएसयू को या फिर अंडरटेकिंग्स की हेल्प कर रही है, कैसे कि इन्होंने जो लोन लिया है उसके लिए गारंटी पे ऑफ करके, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। इसके बाद में इंटरेस्टिंग एक और क्या है सर्विसेज, कि अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो
सिक्योरिटी प्रोवाइड करने जैसी है, अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट करने जैसा है, ओवर टाइम वहाँ पर उनको वेट करवाना, काम करवाना, उनको ज़्यादा वहाँ पर डिप्यूट करना, उसके जो चार्जेस लगते हैं वो टैक्सेबल रहेगा, वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगा, उसके ऊपर GST बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। एंड एट लास्ट हमने एक और सर्विस देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी एंटिटी के साथ में और वो टाइम पे परफॉर्म नहीं करता है, यानी कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके लिए गवर्नमेंट को फाइंस और साथ में उसको पेनल्टीज चार्ज करनी पड़ती है, वो भी एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर GST नहीं लगती है। एंड एट लास्ट अगर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे रजिस्ट्रेशन का, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का, IDs प्रोवाइड करने का, ये सब फ्री है GST से, उस पर कोई GST नहीं लगेगा। सो दोस्तों, इस तरीके से पूरे वीडियो के अंदर हमने ये जो एक बड़ा फोर्थ एग्जम्पशन वाली सर्विसेज थी, सबसे पहले चैरिटेबल देखा, उसके बाद में हमने एग्रीकल्चर देखा, फिर हमने एजुकेशन देखा, और इस फोर्थ वीडियो के अंदर हमने गवर्नमेंट देखा। ये चारों ही इंपॉर्टेंट बड़े बड़े एग्जम्पशन है जो हमने अलग अलग वीडियोज़ में कवर किए हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियोस में हम दूसरे एग्जम्पशन वाली सर्विसेज देखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज ई क्रीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।